हाँ जी, वेलकम बैक। तो सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास वन हमने कर ली डीआरटी के ऊपर। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होता है, डीआरएटी, डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, बेसिक क्या है, रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1993 का बेसिक हमने पढ़ लिया। और एक टॉपिक हमने ट्रांसफर का भी पढ़ लिया कि डीआरटी बनने के बाद जो भी केसेस पहले पेंडिंग थे वो सारे के सारे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट एक मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक वाला छोड़ के। अब हम एप्लीकेशन का प्रोसीजर पढ़ते हैं। और मैंने आपको जाते जाते लास्ट क्लास में यही बताया था कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा सेकेंड क्लास में, कि कैसे आप एप्लीकेशन लगाने वाले हो, कैसे क्या तरीका रहेगा एप्लीकेशन फाइल करने का, क्या तरीका रहेगा एप्लीकेशन लगाने का, यही बेसिकली हमने समझना है सेकेंड चीज में। डन, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकेंड क्लास इसी चीज के ऊपर है, ठीक है। सेकेंड क्लास में हम यही चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो एप्लीकेशन लगाने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप एप्लीकेशन लगाएंगे। आपने आज तक एप्लीकेशन लगाई है, मतलब बेसिकली आपने अलग अलग जगह पे पढ़ी है, तो हम देखते हैं ना हर जगह का अपना अपना तरीका होता है। जैसे हमने सीपीसी में पढ़ा था, तो वहां पे सबसे पहले हमें ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाई गई थी कि कौन से कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले। अगर आपको याद हो सीपीसी आपने ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़ा था, और सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ाया गया था, प्लेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या कहाँ जाके केस फाइल करोगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी का केस है तो यहाँ जाएंगे, इमूवेबल का केस है तो यहाँ जाएंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े थे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको सीपीसी की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजर पोर्शन सीपीसी के जैसा दिया गया है, तो सीपीसी की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आपको सीपीसी के बारे में पता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, तो उसी के रिगार्डिंग ज्यादा टॉपिक दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको ज्यादा कुछ चीजें बताई गई हैं। तो देखिए हम यही स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सेकंड है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा ज्यूरिसडिक्शन, सबसे पहला हमारा ज्यूरिसडिक्शन। तो बोले कौन से मतलब ज्यूरिसडिक्शन कैसे तय की जाएगी, क्यों? क्योंकि सर 33 डीआरटी है, 33 डीआरटी है, किसके पास जाएंगे सर? सीपीसी क्या कहता था, सर अगर इमोबल प्रॉपर्टी है तो उस कोर्ट के पास जाएंगे जिसकी लोकल लिमिट्स की ज्यूरिसडिक्शन में इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब यहां पे क्या है सर, यहां पे हमारा डेट ड्यू, हमारा डेट ड्यू है सर यहां पे। तो डेट ड्यू का मतलब ये जो हमारा कोज ऑफ एक्शन हो सकता है। तो यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, या हम यही पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले आप उस बैंक, वो बैंक देखो जिस बैंक में अकाउंट है, सर बैंक की वो ब्रांच देखो जिस बैंक की ब्रांच में वो अकाउंट मेंटेन है, जिस अकाउंट में पैसे ड्यू है, ठीक है। पहली जगह में पता चल गई कि सबसे पहले सर वो ब्रांच या वो ऑफिस ऑफ द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास मेंटेनिंग एन अकाउंट इन विच डेट क्लेम्ड इज आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले सर बैंक की वो ब्रांच जिसमें खाता है और जिस खाते में डेट ड्यू है उसकी लोकल लिमिट्स में आ जाओ। तो वो ट्रिब्यूनल जिसकी लोकल लिमिट्स में बैंक की वो ब्रांच है, जिस ब्रांच में वो खाता है, और खाता वो है जिसमें डेट ड्यू है, ठीक है। खाने की बात मत करना, वो वाली बात की गई है। डन। दूसरा सर ये सिंपल है, डिफेंडेंट, एक डिफेंडेंट, तो एक डिफेंडेंट जहां रहता है, जहां खाता पीता है, ठीक है, जहां रिसाइड करता है वॉलेंटली, जहां पे कैरीज ऑन बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहे हैं, और एक से ज्यादा डिफेंडेंट है, तो वो एक से ज्यादा कहां क्या कर रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, कैरीज ऑन बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहे हैं। डन, वही चीजें हैं। और एक से ज्यादा में हम पढ़ते हैं ना, एक से ज्यादा में क्या होता है, आप या तो डिफेंडेंट की कंसेंट्स ले लो, या आप कोर्ट की परमिशन लेके, यानी ट्रिब्यूनल की परमिशन लेके आप वहां भी कर सकते हैं जहां डिजायर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट हमारा जहां पे कोज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेस। तो अगर आपको ये पढ़ के वो समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया सर, ये हमारा सीपीसी में था ना कि अगर डेट ड्यू टू, यानी जब केस होता था किस चीज का, रोंग डन टू ए पर्सन, रोंग डन टू ए पर्सन वाला आप पढ़ो या अदर सूट वाला पढ़ो, तो वो एग्जैक्टली ये वाला है।
वही एग्जैक्टली ये वाला है, जैसे टोट पढ़ लो, टोट में भी तो यही था ना, कह रहे टोट वाले केस में कहाँ कहाँ केस करेंगे, तो यह भी यही सब चीजें पढ़ाई गई हैं, सिर्फ टॉपिक बदल गया क्योंकि हमारा डेट ड्यू का केस है, तो डेट ड्यू में सबसे पहले वो बैंक की ब्रांच ढूंढ लो जिस बैंक के में अकाउंट ब्रांच में अकाउंट है और जहां पैसा ड्यू है, दूसरा डिफेंडेंट ईच ऑफ डिफेंडेंट डिसाइड कैरीज ऑन बिजनेस पर्सनली फॉर गेन, और एनी ऑफ द डिफेंडेंट जहां पे एक डिफेंडेंट है, ठीक है, जहां एक है तो वहां एक वाला कर लो, जहां एक से ज्यादा है तो वहां पे एक से ज्यादा, देख लो कहाँ रहते और कहाँ नहीं रहते, डन। और फिर लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन सर हमारा सिंपल दिया गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थोड़ा सा प्रोवाइज है ना, थोड़ा सा समझना, मतलब इसको थोड़ा समझना है हमें, कह रहे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द परमिशन ऑफ ए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय इट विड्रॉ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। क्या कह रहे हैं, कह रहे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विद द परमिशन ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय इट विड्रॉ भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, वेदर मेड बिफोर और आफ्टर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिकवरी ऑफ डेट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004 फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इफ नो सच एक्शन हैज बीन टेकन अर्लियर अंडर दैट एक्ट। कह रहे कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपने एप्लीकेशन लगा दी और आप इसे विड्रॉ करके सरफासी में जाना चाहते हैं तो बोले जा सकते हैं, ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरी जगह पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द परमिशन ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और एन एप्लीकेशन मेड बाय इट विड्रॉ भी कर सकते हैं द एप्लीकेशन, वेदर मेड और मेड बिफोर और आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2004 फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग एक्शन, सो दैट वो एक्शन ले सके, कौन से एक्ट में, सरफासी वाले एक्ट में एक्शन ले सके, इसके लिए वो यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी विड्रॉल की, इससे डेल्ट करना है, मतलब डीआरटी को इस पे फैसला सुनाना है एज अर्ली एज पॉसिबल और डिस्पोज ऑफ करनी है 30 डेज के अंदर अंदर, और अगर रिफ्यूज कर दिया तो ग्रांट परमिशन फॉर विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन फाइल, तो पास कर देगा ऑर्डर कि जाओ नहीं जाने देते तुम्हें, यहीं पे रहो और कहीं नहीं जाना है, डन। तो क्या किया जा सकता है सर, आप विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, और विड्रॉ करने के लिए भी क्या लगानी पड़ेगी सर, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आप कहां जाना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं अंडर सरफासी, अगर इस एक्ट में कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ तो हम सरफासी में जाके वहां भी एक्ट, वहां अगर एक्ट करना चाहे तो वहां भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन भाई यही टॉपिक था जो थोड़ा सा समझने लायक था, यही टॉपिक था, थोड़ा बताओ भाई फटाफट से, क्लैरिटी है वो भाई, क्लियर है ये, फटाफट से रिप्लाई करो इस बात का सो दैट हम आगे करें। एप्लीकेशन बाय बैंक बीइंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ये वही वाला आ गया, मल्टी स्टेट वाला, ठीक है। अब मैंने ना इसकी हेडिंग बना दी है आपकी क्लैरिटी के लिए, मैंने हेडिंग बना दी, पहला सर जुरिडिक्शन, दूसरे का भी बना सकता हूं, विड्रोल बना सकते हो, दूसरे की हेडिंग प्रोवाइज होगी आप विड्रोल बना सकते हो, विड्रोल ऑफ एप्लीकेशन, पहला जुरिडिक्शन सर कौन से कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट नहीं जाना है डीआरटी जाना है यहाँ पे, तो कौन से डीआरटी में जाएंगे वो हमने पढ़ लिया सर। दूसरा विड्रोल कहां जाने के लिए, सरफासी में जाने के लिए, विड्रोल सरफासी में जाने के लिए कितने दिन में डील करेंगे और रिफ्यूज भी कर सकते हैं आपको, डन। एप्लीकेशन बाय बैंक बीइंग मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, कौन सा बैंक, मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, और ये क्या करना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इस चैप्टर में नहीं आना मुझे, मुझे मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जाना है, तो जा भाई तू, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एवरी बैंक बीइंग मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में एट इट्स ऑप्शन ऑप्ट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग अंडर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 टू रिकवर डेट, ठीक है। तो एक बैंक जो मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक है वो ये कह सकता है मैं नहीं आ रहा यहां पे तुम्हारे लिए, मेरे को नहीं आना डीआरटी में, ठीक है, मैं किसके हिसाब से जाऊंगा, मैं मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से जाऊंगा, क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए डेट जो ड्यू है, चाहे पहले चाहे बाद में 2002 के अमेंडमेंट से पहले या बाद में, फ्रॉम एनी पर्सन इंस्टीड ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन अंडर दिस चैप्टर। मैं 1993 वाले में नहीं आना चाहता तो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो एप्लीकेशन लगाओ और एप्लीकेशन लगा के चला जाओ वहां पे, तो तुम्हें अलाउड कर देंगे। यहां भी क्या किया गया है, अगर ऑलरेडी फाइल्ड थी एप्लीकेशन
ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं, अभी जो एप्लीकेशन आपने लगाई एंड सब्सिक्वेंटली होप टू विड्रॉ द एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएटिंग अंडर मल्टी स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट सोसाइटी एक्ट टू रिकवर डेट मे डू सो विद द परमिशन। अगर तुमने पहले इस एक्ट में आ गए, तुमने एप्लीकेशन लगा दी कौन से वाले में, 1993 वाले में, अब तुम क्या करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो। देखो, एक तो तुम शुरुआत से ही तय कर सकते हो कि मुझे इस एक्ट में आना ही नहीं है। दूसरा, अगर तुम इस एक्ट में आ गए थे और अब तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे वाला एक्ट ही अच्छा था, तो तुम तुम्हारे वाले एक्ट में वापस जा सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन लगाओ और विड्रॉ करो। भाई ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 30 डेज, और चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, इसी एक्ट के हिसाब से चलेंगे, दूसरे एक्ट में नहीं जाना है। क्यों आए थे इस एक्ट में, आए हो तो यहीं पे रहो, नहीं जाना है बाहर दोबारा, डन। हाँ, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी जा सकते हैं, बिल्कुल। एप्लीकेशन पे है ना आपका, एप्लीकेशन पे है आपकी, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली चले जाओ, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी बैठे रहो यहाँ पे, एप्लीकेशन पर है, ठीक है। क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई नहीं हुई, कहीं ये वर्ड मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्ट मेंशन है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा ना, सच एक्शन इफ नो सच एक्शन हैज बीन टेकन अर्लियर अंडर दैट एक्ट, अगर उस एक्ट के हिसाब से कोई और आपने कुछ नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है कि आगे बढ़ गए तो क्या नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है ऐसा कुछ। ज्वाइनिंग बाय अदर बैंक, अब ये सिंपल वाला आ गया, अब भूल जाओ दूसरे एक्ट में जाने की बात, अब भूल जाओ दूसरे एक्ट में जाने की बात। ज्वाइनिंग क्या कह रहा है, मेरे को भी पैसे ए से लेने हैं, तुम्हें भी पैसे ए से लेने हैं, मैंने कैसे फाइल कर दिया, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइनिंग बड़ा सिंपल है, ज्वाइनिंग बाय अनदर बैंक, जहां पे एक बैंक ने फाइल कर दी, ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द सेम पर्सन अनदर बैंक ऑल्सो हैज ए क्लेम, तो लेटर बैंक क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है पहले वाले बैंक को। लेटर बैंक क्या कर सकता है सर, ज्वाइन कर सकता है पहले वाले बैंक को, किस पे, एट एनी स्टेज, लेकिन किससे पहले, फाइनल ऑर्डर आने से पहले। ऐसे थोड़ा है कि ऑर्डर आने के बाद अरे सर मैं भी, सर मैं भी, ऐसा नहीं है। तुम अपना क्लेम तुम्हें भी तो साबित करना पड़ेगा ना, तो प्रोसीडिंग से तो गुजरना पड़ेगा। तो एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास बाय मेकिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लगाओ ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन लगाओ ज्वाइन कर लो, सिंपल। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस, और फॉर्मेट दिया कहां होता है, क्या लिखा जाता है, इन सच फॉर्म अकम्पेन्ड विद ट्रू कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट जिन पे वो रिलाय कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेंट क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा, वो सच फॉर्म में होगी और उसके साथ वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिन पे वो रिलाय कर रहा है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अलोंग विद फीस, खाली हाथ नहीं आना है। फीस जो प्रिस्क्राइब की जाएगी वो अमाउंट ऑफ डेट के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जाएगी, कितना अमाउंट आप रिकवर करना चाहते हो। और नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन रिलेटिंग टू फीस शैल अप्लाई टू केस ट्रांसफर, लेकिन वो जो केस ट्रांसफर हुए उन पे फीस के प्रोविजन नहीं है, वो जो केस ट्रांसफर हुए उन पे केस के, उन पे फीस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फीस दे चुके हैं सर। जो एवरी एप्लीकेशन आपने फाइल की गई है इसमें क्या क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें क्या लिखोगे, आप वो डेट लिखोगे जो आपने रिकवर करनी है, तो स्टेट द पर्टिकुलर ऑफ द डेट सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी और एसेट्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द डिफेंडेंट और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, कि भाई मैंने इतना अमाउंट रिकवर करना है और ये प्रॉपर्टी मेरे फेवर में गिर भी है तो उस प्रॉपर्टी के बारे में भी बताना है। दूसरा, अगर एस्टिमेटेड वैल्यू सफिशिएंट नहीं है मेरे डेट के अमाउंट को जो मैं क्लेम कर रहा हूं उसे सेटिस्फाई करने के लिए, तो अदर प्रॉपर्टीज भी बता दो डिफेंडेंट की। एक तो वो प्रॉपर्टीज जो मेरे फेवर में गिर भी है, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है आई थिंक, वो प्रॉपर्टी जो मेरे फेवर में गिर भी है वो तो है ही है, अगर वो सफिशिएंट नहीं लग रही है मुझे तो ये डिफेंडेंट की सर अदर एसेट्स भी हैं, इनको भी रिकवर करो। अब मुझे जो पता था, मुझे जो पता था मैंने सारी लिख दी, वो भी सफिशिएंट नहीं निकली टू रिकवर द डेट, तो सीक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू डिस्क्लोज। अब डिफेंडेंट को कहेंगे सारी प्रॉपर्टी बता तेरी कितनी है, कितनी है तेरे पास प्रॉपर्टी, जो पता थी वो हमें पता है, ठीक है, जो पता थी वो हमें पता है। देखो मैं प्लेंटिफ हूं, मैं एप्लीकेंट हूं, तो मैंने सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिखी जो मेरे फेवर में थी, ठीक है, इन फेवर ऑफ बैंक ये कह दूं। दूसरा,
जो बैंक को पता है, जो बैंक को पता थी वो भी लिख दी। तीसरा बोले सर अभी भी पूरी नहीं हो रही है, तो फिर डिफेंडेंट को कहो अब तू बता भाई तेरी प्रॉपर्टी बता, ये बैंक ने बता दी, इसके अलावा तेरी कोई और प्रॉपर्टी है तो बता, बैंक का पैसा रिकवर कराना है हमें, बैंक का पैसा रिकवर कराना है। देखो सिर्फ प्रॉपर्टी, अभी हमने कहा ना हम जनरली क्या समझते हैं जब हम एग्जीक्यूटिव में होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि प्रॉपर्टी एक ही हो सकती है जो आपने गिरवी रखी है उसे ही बेच के हो सकता है। देखो सारी आ गई, वो प्रॉपर्टी तो है ही है जो मेरे फेवर में गिरवी है, इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज भी उठा के ले आए, ठीक है, जो प्लेंटिव को पता थी, जो एप्लीकेंट को पता थी। बोले इतना ही नहीं, डिफेंडेंट को भी बोला तेरी और प्रॉपर्टीज है ना, चल उनकी लिस्ट फाइल कर, सारी की सारी आ जा, हमें क्या करना है, हमें बैंक को पैसे देने हैं, तो सारी चीजें रिकवर करो, डन। ये समझ आ गया भाई, ये मॉड्यूल में नहीं है बट मुझे लगता है गलती से छूट गया, क्योंकि शेल तक दिया है, 3 पॉइंट डालना भूल गए, शेल तक दिया 3 पॉइंट डालना भूल गए, पता नहीं क्यों डालना भूल गए। तो एप्लीकेशन में आपको क्या लिखने हैं, बोले ये पर्टिकुलर्स है, ये क्या है, पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में किसके बारे में लिखना है, डेट के बारे में लिखना है, और डेट के बारे में क्या क्या लिखना है, ठीक है, डेट के बारे में क्या क्या लिखना है, कह रहे पहला वो पर्टिकुलर जो डेट सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी, तो सारी सारी डिटेल ये 2-3 बार मैंने पढ़ा दिया। सेटलमेंट एंड रिफंड, पता चल रहा है कि बाहर ही सेटल करा है केस, एप्लीकेशन लगाई और केस कहां सेटल करा है, बाहर ही सेटल करा है। तो अगर एप्लीकेशन फाइल आपने कर दी बिफोर ट्रिब्यूनल और ये सेटल हो गई हियरिंग कमेंस होने से पहले ही, या किसी भी स्टेज पे, किसी भी स्टेज पे, तो एप्लीकेंट मे बी ग्रांटेड रिफंड ऑफ द फीस पेड बाय हिम एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो अभी आपसे जो फीस भरवाई थी ना ट्रिब्यूनल ने, ट्रिब्यूनल वो फीस वापस दे देगा। क्यों? क्योंकि कार्रवाई तो हुई नहीं सर, कार्रवाई तो हुई ही नहीं, हुई ही नहीं तो बाहर जाके सेटलमेंट कराए। अब बाहर जाके तुम सेटलमेंट कराए, अच्छी बात है, तो वो ये क्या कहेगा, सर वो जो फीस इस एक्ट के हिसाब से दी थी मुझे वो तो वापस चाहिए। तो बोले ले जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फीस भी ले जा, डन। ठीक है, हेडिंग बनाने के बाद बड़ा आसान हो गया है, मतलब हेडिंग से पहले पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ रहा था, हेडिंग बनाने के बाद टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ रहा, ऊपर से ही क्लियर हो जाता है। सेटलमेंट रिफंड ऑफ फीस, अगर सेटलमेंट हो गया अच्छी बात है, ठीक है, तो किसी भी स्टेज पे हीयरिंग स्टार्ट होने से पहले या किसी भी स्टेज पे सेटलमेंट हो सकती है, और उसी हिसाब से आपको फीस वापस दे दी जाएगी जो आपने फीस ऊपर भरी थी। इश्योरेंस ऑफ समवन, अब ये क्या है, सेटलमेंट भूल जाओ, अब हमने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के बाद हमने फीस फीस फाइल करी, पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब कुछ बता दिए। अब कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल डीआरटी क्या कर रहा है, डीआरटी डिफेंडेंट को बुलाएगा, अब क्या करेगा, डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, और डिफेंडेंट को क्या इशू किया जाता है सर, समन इशू किया जाता है सीबीसी में, हम सब कुछ पढ़कर आए, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, इश्यू करेगा सर समन विद द फॉलोइंग डायरेक्शन टू डिफेंडेंट, शो कॉज। यहाँ पे वो नहीं है भाई टाइम पीरियड दे दिया, तू भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर ले, रिटर्न स्टेटमेंट जरूर कर, लेकिन शो कॉज नोटिस चाहिए। शो कॉज नोटिस मतलब 30 दिन के अंदर अंदर बता कि वो जो रिलीफ मांगी है किसने, एप्लीकेंट ने, वो क्यों ना दी जाए, जो रिलीफ मांगी है वो रिलीफ क्यों ना दी जाए, डन। तो क्या कह रहे हैं, देखो इश्योरेंस ऑफ समन ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन आएगी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल समन इशू करेगा, और समन इशू करके सबसे पहली चीज शो कॉज नोटिस इशू करेगा। 30 दिन के अंदर अंदर बताओ कि जो उसने प्रे किया है, जो रिलीफ मांगी है, वो रिलीफ क्यों ना दी जाए। दूसरा, अभी ऊपर पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर, ये जो थर्ड पॉइंट पढ़ा था, अब मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि यार कुछ तो मिसिंग है, तो फिर मैंने ये पढ़ा, तो क्या पढ़ा गया सर, डायरेक्ट किया जा सकता है, डिस्क्लोज करना है प्रॉपर्टीज, जहां पे पहले प्रॉपर्टी वो वाली जो सिक्योरिटी के तौर पे गई थी, फिर डिफेंडेंट की दूसरी प्रॉपर्टीज बैंक ने बता दी, फिर डिफेंडेंट बैंक कह रहे यार सर सर अभी भी प्रॉपर्टी सफिशियंट नहीं है, तो बोले डिफेंडेंट को बोलो बची हुई प्रॉपर्टीज डिस्क्लोज करे, तो डिफेंडेंट को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, डायरेक्ट किया जाएगा डिस्क्लोज करो द पर्टिकुलर ऑफ एसेट्स अदर देन जो बैंकर बता चुका है ए और बी पॉइंट में, जो बैंकर बता चुका है ए और बी पॉइंट में उसको छोड़ के, डन।
रेस्ट्रेन कर दिया जाएगा डिफेंडेंट को कि तुम डील नहीं करोगे, डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे वो प्रॉपर्टी जो डिस्क्लोज की गई है ए में, क्लोज ए में जो गिरवी वाली है वो नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी मतलब हियरिंग चल रही है तब तक वो वाली प्रॉपर्टी तो नहीं बेचोगे, बाकी प्रॉपर्टीज बेचोगे तो उसके लिए भी पूछ लेना, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टीज तो देखो हाथ ही नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि वो तो बैंकर के फेवर में गिरवी है, वो तो सीधी सी बात है सर, बैंकर के फेवर में गिरवी है। अब बैंकर के फेवर में गिरवी है उनको हाथ नहीं लगाना, बचे हुए के लिए क्या किया जा रहा है आगे देखो सर, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट पेंडिंग फॉर हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तब तक रेस्ट्रेन कर दिया, डन। तो डिफेंडेंट को सम्मन इशू किया, शो कॉज नोटिस उसे दिया, 30 दिन का टाइम दिया, डायरेक्ट भी किया कि डिस्क्लोज करो और रेस्ट्रेन कर दिया, डील नहीं करना है, डिस्पोज ऑफ नहीं करना है उस प्रॉपर्टी एसेट्स को जो क्लोज ए में बताई गई है सर, सिर्फ क्लोज ए वाली जिनको आपने एज ए सिक्योरिटी गिरवी रखा था सिर्फ उनकी बात की गई है, डन। और तीसरा रेस्ट्रेन कर दिया, डील नहीं करना है। रेस्ट्रेन ऑन सेल लीज और डिस्पोजल, तो डिफेंडेंट ऑन सर्विस ऑफ समवन, तो जैसे डिफेंडेंट के पास समवन आया, डिफेंडेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता बाय वे ऑफ सेल लीज और अदरवाइज एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एनी ऑफ द एसेट ओवर विच सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड और अदर प्रॉपर्टीज और एसेट स्पेसिफाइड और डिस्क्लोज अंडर सबसेक्शन 3A विदाउट द प्योर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल। देखो वो वाली तो बेच ही नहीं सकते जो गिरवी है किसी और के फेवर में, इसके अलावा दूसरी भी नहीं बेच सकते, दूसरे के लिए भी तुम्हें पूछना पड़ेगा क्योंकि 3A में सारी आ गई। ट्रिब्यूनल ग्रांट नहीं करेगा सच अप्रूवल विदाउट गिविंग नोटिस टू द एप्लीकेंट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू शो कॉज। अब इन्होंने बैंक को भेज दिया शो कॉज कि सामने वाला रिलीफ मांग रहे, सामने वाला क्या कह रहे, सामने वाला कह रहा है सर मुझे ये वाली प्रॉपर्टी बेचनी है, तो क्या ये प्रॉपर्टी बेचने दे या ना बेचने दे, तो ये बैंकर को शो कॉज नोटिस आ गया कि वाई अप्रूवल प्रेयर फॉर शुड नॉट बी ग्रांटेड, डिफेंडेंट शैल बी लायबल टू द अकाउंट। अगर डिफेंडेंट ने बेची है कोई प्रॉपर्टी तो डिफेंडेंट लायबल है उसका सेल का पैसा जो वो बेच के आया है उसको क्या करे, वो डिपोजिट करे सच सेल प्रोसीड इन अकाउंट मेंटेन विद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर द एसेट। अगर कोई एसेट बेची भी है तो बेच के कोई भी पैसा उसने रिकवर किया ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, कौन सी एसेट बेची, जो गिरवी थी वो वाली एसेट बेची ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं सर, स्टॉक गिरवी था सर, जो स्टॉक है ये गिरवी था। अब स्टॉक को सर रख नहीं सकते ज्यादा दिन तक, खराब हो जाएगा, तो स्टॉक को क्या कर दिया सर, सेल कर दिया। तो ये स्टॉक गिरवी है तो सेल करके क्या डालो, उसी बैंक अकाउंट में डाल दो जिस बैंक अकाउंट से आपने उधार ले रखा है, बैंक से जिस बैंक अकाउंट से आपने उधार ले रखा है उसी बैंक अकाउंट में डाल दो, डन, क्लियर है भैया। डन है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट एंड फेलियर। रिटर्न स्टेटमेंट दोबारा बता दो, क्या बताना दोबारा, देखो क्या कहा गया है, देखो ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो तुमने स्टॉक गिरवी रखा था, क्या था, स्टॉक गिरवी रखा था। अब ये स्टॉक गिरवी रखा था तो तुम इसे क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे जिसपे चार्ज क्रिएट था, जिसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट था। कि मेरा स्टॉक गिरवी था, स्टॉक को मैं सेल नहीं कर सकता, बट अगर सर स्टॉक को सेल नहीं करूंगा तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो बैंक के पैसे कैसे दूंगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं क्या कर सकता हूं, बेच सकता हूं, लेकिन इसके अलावा अगर मुझे करना है तो विदाउट प्रियर अप्रूवल नहीं हो सकता। स्टॉक अगर मुझे बेचना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा कुछ भी बेचना है तो ट्रिब्यूनल से पूछना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल ये जो बेचने वाली जो एप्लीकेशन है इस पर तब तक कोई फैसला नहीं देगा जब तक शो कॉज नोटिस देके बैंक से ना पूछा जाए कि क्यों इसे अलाउ ना किया जाए, ये मेरे से पूछने आया,
मुझे तो लगता है अलाउ कर देना चाहिए। तुम बताओ अलाउ क्यों ना किया जाए। अब डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट सेल करेगा, सेल करके जो भी प्रोसीड्स आएंगे, ठीक है, डिफेंडेंट ने सेल कर दी। सेल कब कर दी सर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। स्टॉक गिरवी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर दिया। जो प्रोसीड आए ये उसी बैंक अकाउंट में जाएंगे जहां से लोन ले रखा है, जहां से लोन ले रखा है वहीं वापस चले जाएंगे। डन। रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट भाई साहब उठे नींद से, तो इसको 30 डेज का टाइम पीरियड दिया था, क्या करेगा, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई। डिफेंडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समवन एक रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आएगा अपने डिफेंस की। ये क्या लेकर आ सकता है, सेट ऑफ भी डाल सकता है, काउंटर क्लेम भी डाल सकता है इफ एनी, एंड रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ट्रू कॉपीज होंगी जिन पे डिफेंडेंट रिलाई कर रहे हैं अपने डिफेंस के लिए। सर सेम है, सीपीसी में पढ़ चुके हैं। अब डिफेंडेंट अगर फेल हो गया फाइल करने में तो क्या किया जा सकता है, फॉर वैलिड रीजन की वजह से एक्सटेंशन दी जा सकती है। कितने दिन की, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। कि अगर वैलिड रीजन है तो सर 15 डेज की एक्सटेंशन दी जा सकती है, सिंपल। थर्ड, डिफेंडेंट को डिस्क्लोजर करना था, ठीक है, वेदर डिफेंडेंट मेक ए डिस्क्लोजर, पहला पॉइंट हो गया। 30 डेज में आपको, आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी और अगर किसी वजह से नहीं कर पाया तो आपने एक्सटेंशन ले ली। डिफेंडेंट मेक ए डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी और एसेट्स पर्सन टू ओनर, तो डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है और डिफेंडेंट को डिस्क्लोजर करना है उन एसेट्स का, ठीक है। तीसरा, अगर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, अगर आपने ये वाला पॉइंट, मतलब आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो डायरेक्ट करेगा दैट पर्सन और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट बी डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम फेल हो गए डिस्क्लोज करने में, प्रॉपर्टीज का डिस्क्लोजर मांगा था, प्रॉपर्टीज का डिस्क्लोजर तुमने नहीं किया, नहीं किया तो चलो जेल में चलो। कौन, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो वही है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब जो तुमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है वही है, लेकिन कोई भी ऑर्डर इश्यू करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाएगी। डन भाई। तो क्या कह रहे हैं ये सर, 30 डेज में। अब देखो रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट एंड फेलियर, तो डिफेंडेंट को 30 डेज में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। रिटर्न स्टेटमेंट फेल हो गया और कोई वैलिड रीजन है तो एक्सटेंशन दी जा सकती है। और दूसरा, आपको डिस्क्लोजर भी तो करना था ना उन एसेट्स का जिनके लिए ऑर्डर दिया गया था, और अगर आप फेल हो गए उस ऑर्डर की नॉन कंप्लायंस आपने कर दी तो आपके ऊपर सर आपको डिटेन किया जा सकता है। कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, अनलेस इन मीन वाइल प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट हिज रिलीज, 3 महीने के लिए, और बीच में आपको रिलीज भी किया जा सकता है। क्लियर। फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ हियरिंग और एडमिशन ऑफ डेट। अब जैसी रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट और एक्सपायरी ऑफ द टाइम ग्रांटेड बाय द ट्रिब्यूनल टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट, या तो आ गई या नहीं आई, ठीक है, फेलियर है, दूसरा नहीं है, या तो रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, या एक्सपायरी हो गई वो टाइम पीरियड जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट आनी थी, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, फिक्स करेगा एक डेट ऑफ हियरिंग फॉर एडमिशन या डिनाइल ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग एंड फॉर कॉन्टिन्यूशन और वेकेशन ऑफ इंटीरियम ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 4, ठीक है, या किसी भी इंटीरियम ऑर्डर के लिए जो सबसेक्शन 4 में आएगा उसकी बात की गई है, ठीक है। आपको ये ज्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं गया है, बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ाई गई है। ये जो आपका रेस्ट्रेन ऑन सेल, लीज और डिस्पोजल था, यहाँ जो आपके ऑर्डर्स आएंगे इनकी बात की गई है। डन। तो क्या कह रहे हैं, फिक्सिंग मतलब डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दी और एडमिशन ऑफ डेट, तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगी या जैसे ही टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी हो जाएगी टाइम पीरियड की, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक डेट फिक्स करेगा फॉर एडमिशन या डिनाइल करने के लिए वो जो डॉक्यूमेंट दोनों पार्टीज ने प्रोड्यूस किए हैं, एंड फॉर वेकेशन कॉन्टिन्यूशन और वेकेशन ऑफ इंटीरियम ऑर्डर, इंटीरियम ऑर्डर चालू रहेगा या इंटीरियम ऑर्डर वेकेट कर दिया जाएगा, उसके लिए भी वो चीजें दी जाएंगी। डन। वेर ए डिफेंडेंट मेक एन एडमिशन, डिफेंडेंट ने अगर एडमिशन कर ही लिया था फुल या पार्ट का ऑफ डेट ड्यू, तो
तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, डिफेंडेंट को पे करने के लिए कहेगा जितना पार्ट उसने एडमिट कर लिया विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। फेलिंग विच द ट्रिब्यूनल मे इश्यू अ सर्टिफिकेट इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 22 टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डेट ड्यू एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट। तो क्या कहेगा, अगर डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया 30 दिन के अंदर अंदर, डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर कहेगा चलो वो जो तुमने एडमिट कर लिया उतनी अमाउंट तो पे कर दो, और अगर तुम फेल हो गए तो उस केस में वही रिकवरी ऑफिसर आएगा, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और रिकवरी ऑफिसर रिकवर करेगा। ठीक है, उस केस में कौन करेगा, रिकवरी ऑफिसर सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिकवर करेगा जो आगे जाके सबसेक्शन 22 में तुम्हें पढ़ना है। देन तो फिक्सिंग ऑफ डेट ऑफ हियरिंग होगी, एडमिशन हो गया, एडमिट कर लिया तो तुम 30 डेज में पे कर दो, नहीं पे किया तो सर्टिफिकेट रिकवरी का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और उसके हिसाब से रिकवरी की प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी। डन। सेट ऑफ क्लेम, तो सेट ऑफ भी हो सकता है, काउंटर क्लेम भी हो सकता है। तो ये सीपीसी में हालांकि आप पढ़कर आए हो कि डिफेंडेंट अगर जहां पे क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है सेट ऑफ अगेंस्ट द एप्लीकेंट डिमांड एनी सर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम, तो डिफेंडेंट में फर्स्ट हियरिंग बट नॉट आफ्टरवर्ड परमिटेड बाय ट्रिब्यूनल प्रेजेंट कर सकता है रिटर्न स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर डेट सो टू बी सेट ऑफ अलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एविडेंस रिलाइड इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ सेट ऑफ इन रिलेशन टू द असर्टेन सम ऑफ मनी अगेंस्ट द प्लेंटिफ या अगेंस्ट द एप्लीकेंट। तो ये तो सेम टॉपिक है जो आप सीपीसी में पढ़कर आए थे। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट का सेम इफेक्ट माना जाएगा जैसे क्रॉस सूट फाइल किया है आपने, ये बात भी आप पढ़कर आए थे कि जैसे कोई अलग केस हुआ है ये उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा और दोनों पार्टीज बदल जाएंगे और ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा वो दोनों चीजों पे करेगा, ओरिजिनल क्लेम पे भी और सेट ऑफ पे भी। इसी तरह डिफेंडेंट क्या कर सकता है, इन एडिशन टू राइट ऑफ प्लीडिंग ए सेट ऑफ, सेट ऑफ के साथ साथ सेटअप कर सकता है काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेन क्लेम ऑफ एप्लीकेंट एनी राइट जो अराइज हुआ है प्लेंटिव के अगेंस्ट में आइदर बिफोर और आफ्टर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस हैज एक्सपायर्ड वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस और नॉट। इसका भी सेम इफेक्ट होगा और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर दोनों चीजों को ध्यान में रख के पास करेगा। एप्लीकेंट क्या है, शैल एट ए लिबर्टी टू फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड। ये जो पहला एप्लीकेंट था उसके पास फ्रीडम है कि वो क्या करेगा, वो जो काउंटर क्लेम सामने वाले ने फाइल किया है उसका रिप्लाई करेगा दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके। सेकेंड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके वो क्या कर सकता है, इसका रिप्लाई भी कर सकता है। बताओ भाई यहां तक डन, 9-10 पॉइंट तक डन, 10 पॉइंट तक मेरी तरफ से डन। ओके, तो नेक्स्ट है आपका एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम का मतलब क्या है कि डिफेंडेंट या प्लेंटिफ जो भी अपनी बात बोलेंगे वो एफिडेविट के थ्रू बोलेंगे। तो ये तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि आपको जो भी बोलना है, जो भी बातें अपनी सपोर्ट में कहनी है तो वो किसके थ्रू फाइल करोगे, एफिडेविट के थ्रू। इसी तरह कोई विटनेस है उसको कोई बात बोलनी है तो वो भी एफिडेविट के थ्रू ही फाइल होगी। तो यही कह रहे हैं एवरी एप्लीकेशन हो चाहे रिटर्न स्टेटमेंट हो या क्लेम ऑफ सेट ऑफ हो चाहे काउंटर क्लेम हो बाय डिफेंडेंट और रिटर्न स्टेटमेंट बाय एप्लीकेंट इन रिप्लाई है, ठीक है, या जो भी प्लेडिंग या जो भी डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना है तो क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए बाय एन एफिडेविट स्वोन बाय एप्लीकेंट या डिफेंडेंट वेरीफाई करते हुए ऑल फैक्ट और प्लेडिंग स्टेटमेंट प्लीडिंग डॉक्यूमेंट या अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नेक्स्ट टू द एप्लीकेशन रिटर्न स्टेटमेंट और रिप्लाई जो भी चीजें हैं। ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, कुछ भी फाइल करोगे, उसके सपोर्ट में आपको एक एविडेंस देना है ये बोलते हुए कि जो भी बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं वो मेरे हिसाब से 100% ट्रू है, ट्रू टू माय नॉलेज है, माय बिलीफ है, जितना मैं जानता था उसके हिसाब से मैंने बिल्कुल सही चीजें लिखी हैं, तो इस चीज के रिगार्डिंग आपको एक एफिडेविट फाइल करना है। इसी तरह अगर विटनेस भी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो एविडेंस ऑफ विटनेस टू बी लीड बाय एनी पार्टी तो एफिडेविट ऑफ सच विटनेस शैल बी फाइल्ड साइमल्टेनियसली बाय द पार्टी विद द एप्लीकेशन और रिटर्न स्टेटमेंट और रिप्लाई जो फाइल किए आपने 10A के अकॉर्डिंग। डन। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे उनके सपोर्ट में आपको एक एफिडेविट भी फाइल करना है
वेरीफाई करते हुए ऑल द फैक्ट और प्लीडिंग और स्टेटमेंट प्लीडिंग डॉक्यूमेंट जितने भी चीजें हैं उनको वेरीफाई करते हुए. इफ द फैक्ट और प्लीडिंग आपने वेरीफाई नहीं करी, ठीक है, आर नॉट वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट, तो आपको अलाउड नहीं है फिर रिलाय करना सच फैक्ट और प्लीडिंग एज एन एविडेंस. इन पर रिलाय करना भी आपको अलाउड नहीं है अगर आपने एफिडेविट फाइल नहीं किया. कह रहे जहां डिफेंडेंट ने सेटअप किया काउंटर क्लेम और इन रिप्लाई टू सच क्लेम एप्लीकेंट कंटेंट दैट द क्लेम रेज्ड ऑट नॉट टू बी डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम बट एन इंडिपेंडेंट एक्शन ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड सच इशू अलोंग विद द क्लेम ऑफ एप्लीकेंट फॉर रिकवरी ऑफ द डेट. जहां पे एप्लीकेंट आगे ये कहता है कि सर ये जो काउंटर क्लेम की बात की गई है ये काउंटर क्लेम यहां नहीं अलग से सेटअप होना चाहिए, और तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा अलग से सेटअप होगा या यहीं पर होगा. तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा अलग से होगा या यहीं होगा. देन भाई 10.11. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है 13. 12 आपका डिलीटेड है, 13 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, अच्छे से करना. देखो 13 पॉइंट आपका क्या कह रहा है, आपको याद है जब हमने सीपीसी पढ़ा था तो हमने वहां पढ़ा था कि सर हमें लगता है डिफेंडर है ना प्रॉपर्टी बेच देगा, सर डिफेंडर है ना उस प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, सर डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है किसी भी और तरीके से, उसे अनअवेलेबल कर सकता है, या कोई भी ऐसा हमने पढ़ा था कि जहां प्लेंटीज ये प्रूव कर दे कोर्ट को, यहाँ पे ट्रिब्यूनल है या एप्लीकेंट है, अगर एप्लीकेंट सेटिस्फाइड कर दे कोर्ट को या मतलब डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को कि सर डिफेंडेंट के पोजेशन में जो प्रॉपर्टी है डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या किसी और तरीके से किसी और को ट्रांसफर कर देगा, तो उसे बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इंटीरियम ऑर्डर इशू किया जा सकता है बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल के द्वारा इंटीरियम ऑर्डर इशू किया जा सकता है और अटैचमेंट का ऑर्डर इशू किया जा सकता है. अटैचमेंट का मतलब तुम इस प्रॉपर्टी में डील नहीं करोगे जब तक ये प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में, तुम इसे किसी भी तरह से बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें. ठीक है, तो यही कह रहा है कि जहां पे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द एप्लीकेंट, और जहां ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है दैट डिफेंडेंट विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिले और फ्रस्ट्रेट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ डेट दैट मे बी पास अगेंस्ट हिम इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ होल या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज अबाउट टू रिमूव द प्रॉपर्टी और इज लाइकली टू कोज एनी डैमेज और मिसडीड टू द प्रॉपर्टी और अफेक्टिव वैल्यू और क्रिएट ए थर्ड पार्टी इंटरेस्ट तो डायरेक्ट द डिफेंडेंट आइदर टू फर्निश सिक्योरिटी. ठीक है, आइदर टू फर्निश सिक्योरिटी इन सच सम टू प्रोड्यूस एंड प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ ट्रिब्यूनल द सेड प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ द सेम एंड सच पोर्शन एज मे बी सफिशियंट टू सेटिस्फाई द सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी ऑफ डेट और टू अपियर एंड शो कोज वाई फर्निश क्यों नहीं करनी चाहिए सिक्योरिटी. तो आपको ऑर्डर इश्यू करके सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए कह दिया और आपको साथ ही साथ ये भी ऑप्शन दिया कि आप चाहो तो आके ये प्रूव कर सकते हो शो कॉज नोटिस के तौर पे कि क्यों ना आपको सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए बोला जाए, क्यों आप पे रिलाय किया जाए. यस, रिलायबिलिटी को कह सकते हैं कि क्यों आप पे रिलाय किया जाए इस चीज के रिगार्डिंग हो सकता है. और डिफेंडेंट अगर फेल हो गया तो फिर ऑर्डर आ जाएगा किस चीज का, अटैचमेंट का. अटैचमेंट का मतलब पढ़ा था ना कि रेस्ट्रेन कर दिया आपके डिस्पोजल के राइट पर, रोक लगा दी किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकता बाय द डिफेंडेंट. दैट ट्रिब्यूनल इसके साथ साथ क्या कर सकता है, कंडीशनल अटैचमेंट भी लगा सकता है, कंडीशनल ऑर्डर भी इशू कर सकता है जैसा उसे सही लगे उस तरह का ऑर्डर भी हो सकता है. इफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज मेड विदाउट कंप्लाइंग तो अटैचमेंट का ऑर्डर क्या है, वॉइड है. मतलब अगर आपको शो कॉज नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था या प्लेंटिव का ने नहीं बोला था तो कोर्ट अपने आप से कोई ऑर्डर नहीं दे सकता. अगर कोर्ट ने अपने आप से ऑर्डर दिया तो वो वॉइड है, यानी आपने ऊपर वाले प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं किया तो फिर वो ऑर्डर वॉइड है. अगर डिसओबीडियंस हुआ है मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर इफ इन केस ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल ने 12 में दिया था, 12 तो डिलीट हो गया, 13 में दिया था, या ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स ऑन विच ऑर्डर वॉज मेड तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर देगा द प्रॉपर्टीज और पर्सन गिल्टी और ब्रीच टू बी अटैच एंड पर्सन टू बी डिटेन इन सिविल प्रिजन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स अनलेस वो मीनवाइल रिलीज कर दे तो अलग बात है.
डन। सेम चीजें दी गई है कि सबसे पहले तुम्हें क्या क्या जा सकता है, इंटीरियर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है इंटीरियर ऑर्डर इश्यू करने के लिए एप्लीकेंट के द्वारा, जहां वो ये प्रूव कर दे कि आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, और जो ट्रिब्यूनल है वो सेटिस्फाइड है तो आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, आपको पहले फर्निश करने के लिए बोला जाएगा सिक्योरिटी, और तुम आगे बोल सकते हो कि क्यों नहीं फर्निश करूंगा मैं सिक्योरिटी। या फिर अगर फेल हो गए तुम्हारे पार्ट पे, या तुम शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं दे पाए, तो ऑर्डर कर दिया जाएगा अटैचमेंट का। बट ऑर्डर इशू अगर किया है तो वो बेसिकली पहले शो कॉज नोटिस होना चाहिए, उसके बेसिस पे होना चाहिए, सीधा नहीं हो सकता। और डिफेंडेंट फेल हो गया तो ये सारी चीजें ऑर्डर कर सकता है कंडीशनल अटैचमेंट का भी, और बिना चीजों के किया है तो वॉइड है। और लास्ट डिसोबिडेंस, अगर तुमने ऑर्डर अटैचमेंट का ऑर्डर भी नहीं माना तो ऑर्डर कर दिया जाएगा प्रॉपर्टीज के अटैचमेंट के साथ साथ, उस पर्सन को जेल में भी डाल दिया जाए 3 महीने के लिए। डन। अदर ऑर्डर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, और क्या क्या ऑर्डर हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाय द ट्रिब्यूनल, जहां ट्रिब्यूनल को जस्ट और कन्वीनियंट लगेगा ट्रिब्यूनल क्या करेगा, अपॉइंट कर देगा रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी वेदर बिफोर और ग्रांट ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी, मतलब फाइनल ऑर्डर इश्यू करने से पहले रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसी पर्सन को फ्रॉम पोजेशन, ठीक है, या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, कमिट द सेम टू द पोजेशन या किसी दूसरे, मतलब रिसीवर की पोजेशन में, रिमूव कर दिया उसके पोजेशन से, किसके पोजेशन में डाल दिया, रिसीवर के पोजेशन में डाल दिया, कन्फर कर सकता है रिसीवर को ऑल पावर जो भी जरूरी है, ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग सूट इन द कोर्ट और फाइलिंग डिफेंडिंग एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कलेक्शन ऑफ रेंट प्रॉफिट एप्लीकेशन डिस्पोजल ऑफ सच रेंट प्रॉफिट एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज द ओनर हिमसेल्फ एज एज ऑफ द पावर एज द ट्रिब्यूनल थिंकर, ठीक, जो भी इन भी चीजों के लिए। और लास्ट अपॉइंट भी कर सकते हैं कमिश्नर, इन्वेंट्री माने लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज बनाने के लिए और उनकी सेल करने के लिए कमिश्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है। डेट कमिश्नर मतलब इनकम टैक्स वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इनकम टैक्स वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं जब ये अदर ऑर्डर्स वगैरह आते हैं। तो अपॉइंट किया जा सकता है कौन, रिसीवर, रिमूव किया जा सकता है किसी पर्सन के पोजेशन से, और कमिट किया जा सकता है किसी रिसीवर के पोजेशन में दे दी जाए, कन्फर की जाएंगी रिसीवर को सारी पावर जो जरूरी है, और अपॉइंट किया जा सकता है कमिश्नर इन्वेंटरी माने लिस्ट बनाने के लिए और फॉर द सेल और उस प्रॉपर्टी की सेल के लिए। डन। कंपनी अंडर लिक्विडेशन, अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी मतलब प्रॉपर्टी की रिकवरी का सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट ए कंपनी, और कंपनी क्या है लिक्विडेशन में है, तो ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा दैट द सेल प्रोसीड ऑफ द सिक्योर्ड एसेट ऑफ सच कंपनी वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए इन द सेम मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कह रहे जहां पे क्या इशू किया गया है, जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू किया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इस एक्ट के हिसाब से, और जिसके अगेंस्ट में इशू किया गया वो कंपनी है, और सर कंपनी लिक्विडेशन में है, तो फिर वहां पे प्रॉपर्टी अगर आईबीसी है तो आईबीसी की प्रायोरिटी होती है, याद रखना आईबीसी प्रोविजन ओवरराइड करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो अगर आईबीसी के प्रोविजन वहां पे चल रहे हैं तो फिर वहां पे ये वाले ऑर्डर नहीं हो सकते, ठीक है, और अदरवाइज 326 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी तरीके हैं उस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाएगा और उस प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रॉपर्टी का जो भी पैसा आएगा उस पैसे को दे दिया जाएगा। डन। इंटीरियम और फाइनल ऑर्डर बाय द कोर्ट द ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग मतलब रीजनेबल ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद जो भी काउंटर क्लेम है वो सारी चीजें पास कर सकता है कोई भी इंटीरियम या फाइनल ऑर्डर एज इज थिंग फिट विच मे इंक्लूड ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट जिस दिन अमाउंट ड्यू था अप टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन और एक्चुअल पेमेंट तक का इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल इन हियरिंग करके दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद इंटीरियम या फाइनल दो तरह के ऑर्डर इश्यू कर सकती है और जिसमें इंक्लूड होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब से कब तक के लिए दिया जाएगा। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अगर पार्टीज ने आपस में सेटलमेंट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अरेंजमेंट कर दी, कह रहे जहां पे क्लेम ऑफ एप्लीकेंट हैज बीन एडजस्टेड होली और इन पार्ट बाय लोकल अरेंजमेंट कॉम्प्रोमाइज इन राइटिंग और साइन बाय पार्टीज
और जहां डिफेंडेंट ने रीपे कर दिया या वो एग्री है रीपे करने के लिए द क्लेम ऑफ एप्लीकेंट, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा रिकॉर्ड करते हुए सच एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम। वाइल पासिंग फाइनल ऑर्डर, फिर फाइनल ऑर्डर पास करते हुए क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि एसेट ऑफ बोरोवर जिसपे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट था एंड डायरेक्ट द रिकवरी ऑफिसर टू डिस्ट्रीब्यूट द सेल ऑफ प्रोसीड ऑफ सच एसेट एज प्रोवाइडेड इन द सबसेक्शन। कह रहे फाइनल ऑर्डर पास करते हुए क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे कि जो एसेट्स है बोरोवर की वो किस हिसाब से डिवाइड की जाए, जैसा तय हुआ है सबसेक्शन में दिया गया है उसी हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, ये ऊपर वाले से कनेक्टेड है, मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक अलग टॉपिक है, ये बीच में आ गया घुस गया है बीच में, ये ऊपर वाले से कनेक्टेड है। डन। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल प्रोसीड, अब अगर कोई अदर केस नहीं चल रहा है, आईबीसी अप्लाई नहीं है, कुछ और अप्लाई नहीं है, कुछ भी अप्लाई नहीं है, तो फिर वहां पे क्या किया जाएगा कि नोट वी सेंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इनफोर्स्ड, यानी आईबीसी वगैरह में क्या लिखा है वो आईबीसी अगर चल रहा है तो फिर आईबीसी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये वाला कि प्रोसीड जो आएगा सेल ऑफ सिक्योर्ड एसेट वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सबसे पहले कॉस्ट जो प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन की, पोस्ट वैल्यूएशन की, पब्लिक नोटिस फॉर पोजेशन ऑक्शन और अदर एक्सपेंसेस सबसे पहले ये पे किए जाएंगे फुल, फिर जो बचा हुआ पैसा है उससे बैंक का पैसा जो ड्यू है वो दिया जाएगा, फिर बैंक का जो भी ड्यू है वो दिया जाएगा। और जहां एप्लीकेशन मैंने पहले ही कहा ना कि अगर आईबीसी में पेंडिंग है प्रोसीडिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन कोड के हिसाब से किया जाएगा, अगर आईबीसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो फिर आईबीसी ओवरराइड करता है, आईबीसी ओवरराइड करेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके पास सर, आईबीसी के पास। डन डन है भाई। कॉपी ऑफ ऑर्डर ये तो हमें पता ही है सर, पार्टीज को भेज दी जाएगी और आप ऑब्टेन भी कर सकते हो पेमेंट ऑफ फीस करके। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, दैट्स इंपोर्टेंट टॉपिक, एक दो बार आ चुका है, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, प्रॉपर्टी के सेल के लिए एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी बोला गया, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी अलोंग विद फाइनल ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ द डेट विद इंटरेस्ट अंडर हिज सिग्नेचर टू द रिकवरी ऑफिसर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ डेट स्पेसिफाइड इन दैट सर्टिफिकेट। कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू कर रहा है क्या सर, एक सर्टिफिकेट किस चीज के लिए, फाइनल ऑर्डर के हिसाब से प्रॉपर्टी की रिकवरी करने के लिए और उसे बेच के जो डेट ड्यू है उसकी पेमेंट करने के लिए, किसको दे रहा है अंडर हिज सिग्नेचर टू द रिकवरी ऑफिसर फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। ये रिकवरी जो सर्टिफिकेट है इसे क्या माना जाएगा, डिक्री या ऑर्डर माना जाएगा, ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट है इसे ऑर्डर या डिक्री माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएशन ऑफ वाइंडिंग अप। कि वाइंडिंग अप अगर करानी पड़ रही है तो वाइंडिंग अप कराने के लिए भी ये ऑर्डर सफिशिएंट है, क्योंकि रिकवरी सर्टिफिकेट में क्या दिया गया है कैसे रिकवरी करनी है, अब सीधा सीधा हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे कंपनी अगर वो है तो, और पैसा रिकवर करेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है द सर्टिफिकेट एनी रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी डीम्ड टू बी द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इनिशिएशन ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए कंपनी और एलएलपी और इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म नॉट कंपनी नहीं है अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स एज द केस मे बी। और जहां पे इशू किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, जहां पे इशू किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी और ट्रिब्यूनल सेटिसाइड है दैट इज प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ टू और मोर ट्रिब्यूनल, तो सेंड कर देगा किसी भी एक को कॉपी और वो सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, दो डीआरटी के ट्रिब्यूनल, दो डीआरटी का ज्यूरिडिक्शन है तो किसी को भी भेज देगा और सामने वाला कह रहा है मेरे पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो रिटर्न कर देगा। ठीक है भाई, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। डन। क्लियर है भैया, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है डिस्पोजल का, एज अर्ली एज पॉसिबल, हम ये वर्ड तो बहुत बार पढ़कर आते हैं और कोशिश करनी है दो हीयरिंग्स में खत्म हो जाए,
कोशिश करनी है 2 इनिंग में खत्म हो जाए। और टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 180 डेज दिए गए। ठीक है, मेक सच ऑर्डर, सच डायरेक्शन जो भी जरूरी है, ठीक है, ताकि इस एक्ट के प्रोविजन को फुलफिल किया जा सके। डन। तो एक बार दोबारा ऊपर ऊपर से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा टॉपिक दिया गया था। सबसे पहले ज्यूरिडिक्शन पढ़ाई गई सर, कौन से डीआरटी के पास जाना है, तो ये हमने पढ़ लिया सर, जहाँ पे आप कोई भी डीआरटी के पास जा सकते हैं जिसके ज्यूरिडिक्शन में बैंक की वो ब्रांच है जिसमें खाता मेंटेन हो रहा है, डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है, या कोज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, आप कहीं भी जा सकते हैं। विड्रॉ करना चाहें और सरफासी में जाना चाहें जा सकते हैं। विड्रॉ करके सर आप मल्टी स्टेट वाले में जाना चाहते हैं जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्यूज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से चलेगा। ज्वाइनिंग हो सकती है दूसरे बैंक की फाइनल ऑर्डर आने से पहले पहले। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फीस हमने बता दिया सर, और मेन पर्टिकुलर क्या है, डेट के रिगार्डिंग लिखना है, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लिखना है, अदर प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग लिखना है, और ऑर्डर मतलब आप कह भी सकते हो डिफेंडेंट को बोल दो सर, वो बता देगा बची हुई एसेट्स। सेटलमेंट एंड रिफंड, तो सेटलमेंट अगर आप हो गई तो आपको फीस जो है वो वापस दे दी जाएगी। ठीक है, अगर सेटलमेंट हो गई तो जो आपने फीस भरी है वो फीस आपको वापस दी जा सकती है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया। फिर सम्मन इशू किया जाएगा, 30 डेज का शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए बोला जाएगा, और रेस्ट्रेन कर दिया जाएगा। रेस्ट्रेन अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने से वैसे तो रोक दिया जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप बेच सकते हैं, लेकिन जो भी पैसा आएगा वो आपको उसी बैंक के खाते में जमा कराना है। रिटर्न स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट, 30 डेज के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस और वो सारी चीजें आपको फाइल करनी है। फेल हो गए तो एक्सटेंशन दी जा सकती है, और डिस्क्लोजर भी देना है एसेट्स का, नहीं दिया तो 3 महीने की सजा है। रीजनेबल ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, कोई भी ऑर्डर इशू करने से पहले। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट और बाकी सारी चीजों के बेसिस पे डेट फिक्स कर देगा हियरिंग की, और अगर आपने एडमिट कर दिया है तो आपको पे करने के लिए बोल देगा जितना आपने एडमिट किया है। डिफेंडेंट चाहे तो सेट ऑफ का क्लेम भी डाल सकता है, डिफेंडेंट चाहे तो काउंटर ऑफ क्लेम भी डाल सकता है। एफिडेविट, जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे उनके सपोर्ट में आपको एफिडेविट देना है, कि जो भी फैक्ट वेरीफाई करते हुए कि ये फैक्ट वैक्ट सारे ट्रू है। तो अगर आपने आपने वेरिफिकेशन नहीं करी तो आप रिलाई भी नहीं कर सकते, अलाउड भी नहीं है उनको यूज करना आपको आगे जाके। और अगर एप्लीकेंट कह रहा है सर ये काउंटर क्लेम वाली बात डिफरेंट सूट में जानी चाहिए, तो फिर वहां पे इंडिपेंडेंट के लिए भी बोला जा सकता है। इंटीरियम एप्लीकेशन, जहां एप्लीकेंट सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि सर ये सामने वाला प्रॉपर्टी को डैमेज वैमेज कुछ भी कर सकता है, तो वहां पे इंटीरियम ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है, और शो कॉज नोटिस कि या तो सिक्योरिटी फर्निश करो, या नहीं करना चाहते तो आके बताओ, और फेल हो गया तो वही 3 महीने की आपको जेल भी डाली जा सकती है, जो भी आपका रीजन रहेगा, जो भी चीजें रहेंगी। ऑर्डर, अदर ऑर्डर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, क्या क्या ऑर्डर रह सकते हैं, रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है पोजेशन से, किसी दूसरे के पोजेशन में दिया जा सकता है, सच पावर कन्फर की जा सकती है जो भी जरूरी है, और कमिश्नर अपॉइंट करेंगे सर्टिफिकेट के हिसाब से प्रॉपर्टी के इन्वेंट्री बनाने के लिए और सेल करने के लिए। कंपनी अगर लिक्विडेशन में है तो भी ऑर्डर इशू किया जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेक्शन 326 के हिसाब से। इंटीरियम और फाइनल ऑर्डर, ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग ऑप्शनिटीज इंटीरियम या कोई फाइनल ऑर्डर इशू कर सकता है, इंक्लूड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट के लिए भी। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो रही है तो फिर उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर पास किया जा सकता है, कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन्होंने आपस में कर लिया, और वाइल पासिंग द ऑर्डर स्पेसिफाई करना कही जाएगी एसेट्स ऑफ द बोरोवर, और कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिकवरी करना है। ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई और चीज अप्लाई नहीं हो रही है तो इस एक्ट के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले कॉस्ट और फिर जो भी डेट ड्यू है वो वाला पेंडिंग किया जाएगा। अगर आईबीसी है तो फिर आईबीसी के ओवरराइडिंग इफेक्ट है। कॉपी ऑफ ऑर्डर हो गया, सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और लिखा जाएगा जो भी अमाउंट कैसे रिकवर करना है, रिकवरी ऑफिसर रिकवर करेगा, और यही वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी माना जाएगा, और डीआरटी वही सेंड करेगा कॉपीज, अगर 2 या 2 से ज्यादा डीआरटी में आ रहे हैं तो किसी को भी, और अगर कोई मना कर रहा है तो फिर रिटर्न भी कर देगा। टाइम पीरियड 2 हियरिंग में करना है, एज एक्सपेडिटिव एज पॉसिबल 180 डेज आपके पास है, और मेक सच ऑर्डर और सच डायरेक्शन जो भी जरूरी। डन भाई, यहां तक बताओ फटाफट से, यहां तक डन। मेजर पोर्शन हमारा हो गया, मतलब जो बेसिकली जिस चीज को लेके डाउट कह सकते हैं, जिस चीज को लेके हम मेन इश्यूज कह सकते हैं, वो हमारा टॉपिक हो गया। डन भाई, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ रिकवरी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट रिटर्न स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के ये कह सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोसीडिंग, जो भी
काउंटर क्लेम सेटअप तुम्हें फाइल करने हैं वो सारे तुम रिटर्न में भी फाइल कर सकते हो और डीएससी लगा के भी फाइल किया जा सकता है। तो यही कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल प्रोवाइड दैट फ्रॉम सच डेट और बिफोर सच ट्रिब्यूनल एप्री ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑथेंटिकेट की जा सकते हैं विद द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डिफेंडेंट और अदर पेटिशनर, और कोई भी सम्मन नोटिस कम्युनिकेशन और इंटीमेशन सर्व किया जा सकता है किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो फाइल भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सामने से कुछ भी आएगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, डन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था आपका ए और बी पॉइंट कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ सकता है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर कोई इंटीरियर ऑर्डर या कोई भी फाइनल ऑर्डर आया है तो वेबसाइट पे भी डाला जा सकता है ट्रिब्यूनल की, और ये पब्लिक नोटिस माना जाएगा ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर डाल के, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल पे भी एक कॉपी डाल दी जाएगी सो दैट सामने वाले को पता चल जाए कि ट्रिब्यूनल ने इस तरह का ऑर्डर इशू किया है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय रूल प्रोवाइड कर सकती है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एक्सक्लूसिव मतलब आगे से सिर्फ यही यूज होगा या एज एन अल्टरनेट या एज एन एडिशन यूज किया जा रहा है, मतलब दोनों चीजें अभी पॉसिबल है तो दोनों की जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आएगा पेपर बंद हो जाएगा, तो ये आगे जाके ये भी हो सकता है। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, मेंटेन करेगा अपनी वेबसाइट और कॉमन वेबसाइट विद अदर ट्रिब्यूनल और अपने ट्रिब्यूनल और सच अदर यूनिवर्सली एसेसेबल रिपोजिटरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, और इंश्योर करेगा कि जितने भी ऑर्डर जिसने भी पास किए हैं वो ट्रिब्यूनल की खुद की वेबसाइट है तो उस पर आने चाहिए, कॉमन वेबसाइट है तो उस कॉमन वेबसाइट पे आपका ट्रिब्यूनल जहां भी मेंशन किया होगा उसके साथ लिखे आने चाहिए कि इस ट्रिब्यूनल ने इस तरह का ऑर्डर इशू किया है, इस ट्रिब्यूनल ने इस तरह का ऑर्डर इशू किया है वहां पर लिखा जाना चाहिए। डन भाई, क्लियर है यहां तक? अपील टू द एप्लेट ट्रिब्यूनल बहुत आसान है कि कोई भी पर्सन अगर एग्रीड है ऑर्डर से तो वो अपील लगा सकता है ट्रिब्यूनल को। अगर कंसेंट से था बिल्कुल सेम है जो एनसीएलटी एनसीएलटी में पढ़कर आए थे, अगर कंसेंट ऑफ पार्टी से है, अगर कोई ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल का विद द कंसेंट ऑफ पार्टी तो नो अपील। अपील कितने दिन में फाइल करनी है, 30 डेज में, सच फॉर्म अकम्पेन्ड बाय सच फीस, और अगर आपके पास वैलिड रीजन है सफिशेंट कोज है तो एक्सटेंशन भी हो सकता है, और ट्रिब्यूनल क्या करेगा रीजनेबल एप्लेट ट्रिब्यूनल रीजनेबल ऑपर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद वही तीन चीजें कंफर्म मॉडिफाई और सेट असाइड करेगा, और एक कॉपी ऑफ ऑर्डर दोनों पार्टीज को भेज दी जाएंगी। कितने दिन में डिस्पोज ऑफ करना है तो एज एक्सपीडिटली एज पॉसिबल, और एवरी एंडेवर विद इन सिक्स मंथ आपको क्या कर देना है डिस्पोज ऑफ कर देना है। ठीक है, सातवां पॉइंट अलग है थोड़ा सा समझना, ठीक है, सेवंथ पॉइंट अलग है तो सेवंथ पॉइंट थोड़ा सा समझेंगे। क्या कह रहा है कि जहां पे अपील प्रेफर की गई है बाय पर्सन फ्रॉम हुम द अमाउंट ऑफ डेट इज ड्यू शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द एप्लेट ट्रिब्यूनल, मतलब ये बात कर रहे हैं कि मान लो डिफेंडेंट हार गया तो डिफेंडेंट क्या लगा रहे, डिफेंडेंट अपील लगा रहे। तो हम कई जगह पढ़ते थे ना कि अगर आपको अपील लगानी है और आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर इशू किया गया है ट्रिब्यूनल के द्वारा और उसमें आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया है तो आप अपील तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप एपलेट ट्रिब्यूनल के पास एक अमाउंट जमा नहीं कर देते उस ऑर्डर का जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आया है। तो यहां पे भी क्या दिया गया कि अगर डिफेंडेंट को अपील लगानी है तो उसे 50% जमा करना होगा उस ऑर्डर का, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट सो ड्यू फ्रॉम हुम हिम एज डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल ने जो डिटरमाइन आपको किया है, उसका 50% आपको जमा करना है। ट्रिब्यूनल चाहे तो इसे रिड्यूस कर सकता है, एप्लेट ट्रिब्यूनल 25% से कम नहीं होगा किसी भी केस में, 25% से कम नहीं होगा किसी भी केस में। पहले पेमेंट करनी पड़ेगी पेनल्टी अमाउंट की, हाँ, लेकिन हाँ ये बेसिकली इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया है, पेनल्टी नहीं कहेंगे, पेनल्टी अलग चीज हो गई, यहां तो पेमेंट का ऑर्डर आया है, अगर आपको डेट ड्यू जिसके रिगार्डिंग झगड़े थे और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर इशू करके कहा कि सामने वाले की डेट पे कर दो और तुम कह रहे हो कि नहीं अभी भी हमारे बीच में डिस्प्यूट है तो तुम एप्लेट ट्रिब्यूनल गए, एप्लेट ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने जो अमाउंट डिसाइड किया उसका 50% जमा करो, पेनल्टी अलग चीज हो गई। ठीक है, पेनल्टी अलग चीज हो गई, पेनल्टी नहीं बोला है यहाँ पे, डेट की रिकवरी का केस था तो उस डेट की पेमेंट की बात की गई है, उस डेट की पेमेंट की बात की गई है, रिकवरी की बात नहीं की गई है। डन, क्लियर है भाई यहां तक? ओके, डन।
अब प्रोसीजर तो सर सिंपल है, ये तो एनसीएलटी है, सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है वो ये वाला है। पहला वही लिखा है, नोट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय सीपीसी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पावर टू रेगुलेट देयर ऑन प्रोसीजर। सेम सेम एनसीएलटी एनसीएलटी। फिर क्या कह रहा है कि प्रोसीडिंग जो चलेंगी बिफोर द डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल इज गवर्न बाय डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल्स 1993। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया थोड़ा सा कि वैसे तो उसने वही चीज लिखी लेकिन डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए उसने क्या लिखा कि प्रोसीडिंग इनके लिए ऑलरेडी जब रूल्स आए हुए हैं तो रूल्स के हिसाब से चलेगी। कैसे चलेगी? रूल्स के हिसाब से चलेगी। डन, क्लियर है भैया? इनके लिए जो प्रोसीडिंग चलेंगी किसके हिसाब से चलेंगी? सर रूल्स के हिसाब से चलेंगी। डन, द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल, अब ये वही पावर है, सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर। और मैटर वही है, समन एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन रिकवरिंग द डिस्कवरी प्रोडक्शन एविडेंस ऑन एफिडेविट इश कमीशन और एग्जामिनेशन रिव्यू इट डिसीजन डिसेमिनेट वही एप्लीकेशन डिफॉल्ट डिसमिस करना डिफॉल्ट के लिए और डिसाइड करना एक्स पार्टे सेट असाइड करना या एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेम लिखा है, कुछ भी नहीं है। और ये भी वही लिखा है कि जो भी प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी और ये जो ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल है ये सिविल कोर्ट माने जाएंगे। और फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ ऑफ एन एंट्री इन द बैंकर बुक द प्रोविजन ऑफ बैंकर बुक एविडेंस भी अप्लाई होगा, क्योंकि बैंक का केस है ना, डेट ड्यू फ्रॉम बैंक है, तो बैंक का जो एविडेंस है जो एंट्री है वो बैंकर बुक एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, तो वह यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, यूनिफॉर्म प्रोसीजर बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय रूल्स ले डाउन कर सकते हैं यूनिफॉर्म प्रोसीजर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल। डन, बहुत सिंपल लिखा है, क्लियर। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन सर कुछ भी नहीं है कि बैंक ऑथराइज कर सकता है वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर या ऑफिसर को टू एक्ट एज ए प्रेजेंटिंग ऑफिसर और जो भी पर्सन आएगा वो प्रेजेंट करेगा। इसी तरह डिफेंडेंट भी क्या हो सकता है, आइदर अपियर इन पर्सन। अब बैंक मत लिखाना इन पर्सन, बैंक उठ के कैसे आएगा, बैंक तो ऑफिसर ही भेजेगा ना ऑथराइज करके। और पर्सन तो आ सकता है, ऑथराइज भी कर सकता है और प्रेजेंट करने के लिए अपने केस को। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, इन सो फार अप्लाई होता है प्रोसीडिंग्स के ऊपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिकवरी ऑफ डेट डिटरमाइंड बाय द ट्रिब्यूनल, तो रिकवरी ऑफ डेट ये आपको याद है अपने सेट वगैरह में पढ़ा था कि डेट की रिकवरी कैसे की जाती है। तो डेट पहले मूवेबल प्रॉपर्टी फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर दो, पर्सन को जेल में डाल दो, सेल कर दो, वो सारी चीजें दी गई। कि सेक्शन 25 क्या कहता है कि रिकवरी ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है, जो उसे मिला है, प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड। तो नीचे लिखे हुए तरीके अपनाएगा क्या करने के लिए, अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए क्या क्या तरीके है, अटैचमेंट एंड सेल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेकिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी और अपॉइंट करेगा रिसीवर और सेल करेगा सेम। अरेस्ट किया जा सकता है डिफेंडेंट को और उसे डिटेन किया जा सकता है प्रिजन में, अपॉइंट किया जा सकता है रिसीवर को, मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी यूज कर सकता है किसी भी चीज का। डन सर, बहुत सिंपल है, यहां तक क्लियर है भाई? फटाफट बता दो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो 5 मिनट में मिलते हैं, मतलब एक थर्ड क्लास और करनी पड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी भी आई थिंक 5-6 पेजेस हैं, तो एक आधे घंटे की क्लास और कर लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं तीसरी क्लास में, ठीक है, 5 मिनट में मिलते हैं, 7 ये आपका हो गया, 5:45 में मिलते हैं, 5:40 हुए, 5:45 में मिलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है।